ओके चलो हम हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट बात आप लोगों की ये लिए है कि आपका संडे को टेस्ट होने वाला है, उसमें आपका सिलेबस में पीसीबी तीनों आ रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इक्विलिब्रियम और सेल साइकिल। ठीक है, इन तीनों आपका ये सिलेबस। ठीक है यस ठीक है मैम, ठीक यस है, मैम। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि जो ग्लूकोज था उसने किस में एंटर करा था, ग्लाइकोलाइसिस में। और ग्लाइकोलाइसिस में इसमें प्रोड्यूस क्या हुआ था बताओ जल्दी, क्या प्रोड्यूस हुआ था ग्लाइकोलाइसिस में? पाइरूविक एसिड। ठीक है, अब ये जो पाइरूविक एसिड आगे क्या जाएगा इसकी कहानी हमको पढ़नी है। ठीक है, अब इस पाइरूविक एसिड का आगे क्या होता है? तो हमारे पास दो मोड होते हैं रेस्पिरेशन के, कौन कौन से होते हैं एरोबिक एनएरोबिक। है ना? तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस था वो तो कॉमन पाथवे था एरोबिक के लिए भी एनएरोबिक के लिए। तो फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस तो हो गया, नेक्स्ट बात आई एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, कि ये जो पाइरूविक एसिड है उसका काम कैसे होगा। तो ठीक है, अगर ये पाइरूविक एसिड कहाँ एंटर करता है, एनएरोबिक मोड में, तो ये किस प्रोसेस में जाएगा? फर्मेंटेशन। यस दीपांशु, आप कुछ बोल रहे थे? नो मैम, मुझे लगा कि मैम लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। नहीं, अभी हम फर्मेंटेशन पे आए हैं। ठीक है, अभी फर्मेंटेशन के बाद जाते हैं। तो एनएरोबिक में क्या हुआ, ये पाइरूविक एसिड किस प्रोसेस में एंटर करेगा? फर्मेंटेशन में। अब फर्मेंटेशन के भी होते हैं दो टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक तो दीपांशु ने अभी बताया था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और एक हमारे पास होता है एल्कोहोलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को? यस चलो मैम, मैं यस बोलती मैम। हूँ। ठीक है, ये तो भाई हुई एनएरोबिक वालों के। अब एरोबिक में इस पाइरोविक एसिड का क्या होता है, ये पाइरोविक एसिड कहाँ जाएगा? क्रैब साइकिल में। और उसके बाद ये क्या होता है, इसके बाद होता है ऑपरेट ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये होते हैं पाइरोविक एसिड की कहानी। अब ये जो एनएरोबिक मोड होता है उसमें देखो पाइरोविक एसिड में भी कुछ एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो उस एनर्जी को ये एनएरोबिक वाला मोड है आगे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है। अगर ये पाइरूविक एसिड एरोबिक में जाएगा तो पाइरूविक एसिड का फर्दर ब्रेकडाउन होगा, और उस ब्रेकडाउन से हम फाइनली क्या निकालेंगे, एनर्जी। क्योंकि रेस्पिरेशन का अल्टीमेट एम क्या है, रेस्पिरेशन का अल्टीमेट क्या एटीपी फॉर्मेशन। है ना? तो एटीपी फॉर्मेशन कहाँ से? फूड से। तो ग्लूकोज ने ग्लाइकोलाइसिस करवा के पाइरूविक एसिड बना दिया। अब पाइरूविक एसिड में कुछ एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, उस एनर्जी को स्टोर सिर्फ एरोबिक वाले एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और एनएरोबिक इनको नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते। तो पहले हम पढ़ेंगे आज फर्मेंटेशन, फिर पढ़ेंगे क्रैब साइकिल। ठीक है, स्टार्ट करें फर्मेंटेशन। ठीक यस मैम, है, तो ये जो यस पाइरूविक मैम। एसिड तीन वे में यूज हुआ, पहला हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, नेक्स्ट होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये दोनों कौन से हैं, एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। लास्ट आता है हमारा एरोबिक मोड जिसमें होगा क्रैब साइकिल, उसके बाद होता है ईटीएस। तो ईटीएस के बाद ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पूरी एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ? विदाउट रेस्पिरेशन which do not involves oxygen, या without oxygen। तो इस प्रोसेस में अगर हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक मैंने आपको बताया एल्कोहलिक, एक होता है लैक्टिक एसिड। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के नाम से आपको याद रखना है यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है अल्टीमेटली, एल्कोहल। ठीक है, इतनी यस बात। मैम। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि फाइनली यहाँ पर जो प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। अभी जो फर्मेंटेशन हो रहा है वो होता कहाँ है? तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमेशा याद रखना कहाँ पर होता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट क्या होता है, फंगस होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था ईस्ट इज अ फंगस। तो ये ईस्ट कैसे रेस्पिरेशन करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और लैक्टिक एसिड का होता है जो हमारे मसल सेल्स होते हैं ना, मसल्स होती यस मैम। है उसमें होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, पर हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। जब O2 क्या हो जाएगा हमारी बॉडी में कम हो जाएगी ना, तो उस कंडीशन में मसल्स क्या बोल देगी कि हम एनएरोबिकली रेस्पायर कर लेंगे। और सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं या प्रोकैरियोट्स जो क्या करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को शो करते हैं। ठीक है,
मैम, ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं? अभी मैं लैक्टिक एसिड पढ़ाऊंगी फिर बताऊं, क्योंकि अभी हमें ना ओके मैम, टूट जाएगा। अभी बस आपको इतना याद करना है ना, फिर लैक्टिक एसिड हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, फिर मैं आपको पूरा ये मसल वाला कहानी बताऊंगी, ठीक है? तो देखो, ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज बनता है पाइरुविक एसिड, और ये पाइरुविक एसिड कहाँ जाएगा? फिर फर्मेंटेशन में। क्लियर है सभी को? यस मैम। अब इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, मैंने क्या बोला था, पूरा नहीं टूट पाएगा, क्या होगा इसका? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, ठीक है? ठीक है, यस मैम। तो एनएरोबिक कंडीशन में क्या होगा? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और ये होता था है प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स जैसे ईस्ट, और हमारे मसल सेल्स, ठीक है? तो पहला आता है हमारे पास एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या प्रोड्यूस होगा? अभी बताया था मैंने, एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है? तो ये पाइरुविक एसिड आया कहाँ से? आया है पाइरुविक एसिड किस प्रोसेस से? ग्लाइकोलाइसिस। करेक्ट, क्या हुआ? ग्लाइकोलाइसिस हुआ। जस्ट अ सेकंड, क्या हुआ? ग्लाइकोलाइसिस हुआ। तो ग्लाइकोलाइसिस ने ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाया? पाइरुविक एसिड। अब ये पाइरुविक एसिड कहाँ एंटर करा? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। जब इसने एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में गया, फाइनली ये क्या बनाता है? एल्कोहल प्लस CO2। तो प्रोडक्ट क्या हुआ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के? अरे बाबा, प्रोडक्ट क्या हुआ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के? मैम, अल्कोहल, CO2। यस, एल्कोहल और CO2। अब देखो, इस पाइरुविक एसिड ने जब फर्मेंटेशन करा, तो क्या कुछ एनर्जी की सिंथेसिस करी? कुछ एटीपी वीटीपी बना क्या यहाँ पे? तो फिर ये प्रोसेस हुआ क्यों? ये प्रोसेस इसलिए हुआ, देखो, हम जो ग्लाइकोलाइसिस करवा रहे थे, उसमें हमको एनएडी प्लस से हम क्या बना रहे थे? एनएटीएच। तो अगर मुझे ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए मुझे एनएडी प्लस कंटिन्यूसली चाहिए या नहीं चाहिए? यस मैम, चाहिए ना। तो इस एनएडी प्लस, अगर आपका सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो सारे एनएडी प्लस यूज जाएंगे और फाइनली एनएटीएच बनाएंगे। तो इस एनएडी प्लस को रीजनरेट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो ये प्रोसेस क्या कर देगा आपका, कि एनएडीएच को तोड़ के क्या बना देगा? एनएडी प्लस बना देगा। दैट मींस इस प्रोसेस का जरूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एनएडी प्लस का क्या हुआ? रीजनरेशन, ठीक है? अब समझ में आया ये प्रोसेस क्यों हुआ? यस मैम, आज आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, थोड़ी एनर्जी लो है क्या? मैम फीवर। अच्छा, इशिका का फीवर है, बाकी लोगों का? दीपांशु, आपकी आवाज ही नहीं आ रही आज तो। यस मैम, मैम सर नेटवर्क इशू है। अच्छा है ना, आप भी आज नहीं बोल रहे हो, आप तो हमेशा एक्टिव रहते हो, फिर आज क्या हुआ? यस मैम, नो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अभी आप कुछ नहीं हुआ है, तो इशिका को छोड़ के मैं बाकी लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ अगर आप लोग फटाफट यहाँ पे रिस्पॉन्ड करोगे, ठीक है? तो ग्लाइकोलाइसिस से हमारा जो पाइरुविक एसिड हुआ, जो फर्मेंटेशन में गया, तो उसने बना दिया एल्कोहल और CO2। और इस प्रोसेस में उसने इसलिए करा क्योंकि हमको जो एनएडी प्लस थे, उसका कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट था ग्लाइकोलाइसिस करवाने के लिए। तो इस प्रोसेस में एनएडी प्लस क्या हो गया? रीजनरेट हो गया, ठीक है? यस मैम, ठीक है। अभी जो एल्कोहल प्रोड्यूस हुआ है, तो कुछ लेवल तक तो वो क्या है कि यूज, मतलब ठीक है, कुछ नहीं करेगा, पर अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेगा? एक पॉइजन की जैसे एक्ट करने लगेगा। और अगर किसी की बॉडी में पॉइजन हो जाता है, तो क्या उसकी डेथ हो जाती है? यस मैम, यस मैम। तो देखो, जब ईस्ट क्या कर रहा है, कि ईस्ट क्या करता है कि ये बार बार फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते जाते करते जाते, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें एल्कोहल का कंसेंट्रेशन बढ़ते जाता है। तो जब एल्कोहल का कंसेंट्रेशन 13% आ गया, और 13% से अबव हो गया, तो ईस्ट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, ठीक है? यस मैम, यस मैम, ठीक है। अब ये जो अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम क्या करते हैं, इसीलिए ईस्ट को हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, कि हम इसको इंडस्ट्रीज में ईस्ट का यूज करते हैं, और ईस्ट से हम क्या बनाते हैं? अल्कोहल, जो डिफरेंट बेवरेजेस होते हैं ना,
एल्कोहल के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, यस मैम, मुझे यस तो मैम, नाम नहीं पता, अभी याद भी नहीं आ रहा है, अलग अलग होते हैं ना, विस्की, रम, ब्रांडी, पता नहीं क्या क्या होता है ना ऐसा। तो ये सारी जो डिफरेंट बेवरेजेस प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए हम किस ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, ईस्ट के, क्योंकि उसके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, एल्कोहल प्रोड्यूस करने के। तो मैम इसे ब्रेड में क्यों यूज करते हैं? मैम क्या, इसे ब्रेड के लिए भी यूज करते हैं? किसके लिए यूज करते हैं, मुझे समझ नहीं है आपके पास। ब्लड, क्या बोल, ब्रेड ब्रेड, ब्रेड हाँ, में ब्रेड के लिए भी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि देखो ये CO2 का क्या करता है, इवोल्यूशन करता है। तो जब आपका ब्रेड और वो बनता है ना, तो ब्रेड में भी क्या होती है, बहुत सारी CO2 होती है, ठीक है। तो इसीलिए ब्रेड में भी हम इसका यूज करते हैं, ईस्ट जो बन ईस्ट बनाता है ब्रेड को बनाता है, अल्कोहल को बनाता है। तो अल्कोहल के लिए वो CO2 वाला जो हमारा ये इवॉल्व करने वाला है, वो CO2 की वजह से हम इसको ब्रेड में यूज करते हैं, ठीक है। तो मैम यस अल्कोहल मैम, इम्पैक्ट नहीं डालेगी ब्रेड पे मैम, ब्रेड थोड़ी अजीब हो जाएगी। इतना ज्यादा अल्कोहल नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है। कुछ ईस्ट है थोड़ा बहुत CO2 बना के वहां पर, फिर वो अपना काम करके दूसरे ब्रेड पे चले जाएंगे, ठीक है। ओके यस मैम, मैम, ब्रेड में यीस्ट, और मैम यीस्ट जो है मैम वो अल्कोहलिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ईस्ट अल्कोहल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ ही साथ CO2 भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो CO2 वाला था तो वो इंडस्ट्रियल पर्पस में क्या करा, इन CO2 वाला उन्होंने क्या करा कि अगर ये CO2 इवॉल्व कर रहा है, दैट मींस हमने क्या करा कि हमको ब्रेड बनाने के लिए CO2 चाहिए। जो कॉफी स्ट्रक्चर्स होता है ना, वो CO2 की वजह से होता है, ठीक है। और एल्कोहलिक जो बिवरेजेस बनाते हैं, डिफरेंट विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब जो बनाते हैं, उसलिए इंडस्ट्रियल पर्पस में ईस्ट का वहां यूज होता है। तो वो पूरी टेक्निक्स होती है कि कैसे होगा, क्या होगा, उसकी वजह से। बस यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो वो बनाता है उसकी वजह से उसका यूज हो जाता है फॉर इंडस्ट्रीज, ठीक है। ओके मैम, ठीक है, तो ये पाइरूविक एसिड कहाँ एंटर करेगा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। तो ये क्या बनाएगा, एल्कोहल प्लस CO2। तो ये जो आपका इथेनॉल लिखा है वो क्या है, एल्कोहल का नाम है, ठीक है। और इस प्रोसेस में NAD प्लस क्या हो जाता है, रीजनरेट, ठीक है। आगे यस मैम, बढ़े, ओके मैम, नेक्स्ट आता है हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये कहाँ पर होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मसल्स बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और मसल्स जो एनएरोबिकली रेस्पायर करेंगे तो वो कौन सा करेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो पाइरूविक एसिड था वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस CO2, ठीक है। इस प्रोसेस में भी क्या होगा कि जो NADH था उसने H प्लस आयन्स को डिसो अलग करके NAD प्लस बन गया, और ये NAD प्लस यहाँ पर क्या हो गया, रीजनरेट, ठीक है। यस मैम, अब बात करते हैं हमारे मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों होता है। देखो जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी ने अगर बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली तो जितनी O2 थे वो फटाफट क्या होती है, कंज्यूम होती जाती है, ठीक है। अब हमारी बॉडी में एक्सरसाइज करने की वजह से क्या हुआ कि ऑक्सीजन की जो थी वो हो गई डिफिशियंसी, ऑक्सीजन हो गया कम। तो मसल्स ने क्या बोला कि ऑक्सीजन नहीं है तो मैं कौन सा मोड स्विच कर लेता हूँ, एनएरोबिक वाला। तो एनएरोबिक उसने करा तो क्या करा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करा। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वजह से क्या हुआ, मसल्स के अंदर कौन सा एसिड यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, मसल्स में पेन करवाने लगता है। लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से क्या होता है, हमारी जो मसल्स है उसमें पेन होने लगता है, ठीक है। तो ये जो आपने पूछा ना कि लैक्टिक एसिड का क्या होता है, तो ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से, जिसलिए हम हैवी एक्सरसाइज कुछ ऐसा काम करते हो तो हमारे हाथ दुखने लग जाते हैं ना। क्यों दुखने लग जाते हैं, क्योंकि मसल्स ने क्या कर लिया, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर लिया और उसकी वजह से बहुत सारा लैक्टिक एसिड बना लिया, और इस लैक्टिक एसिड ने क्या बोला, वहां पर पेन करवाना स्टार्ट करवा दिया, ठीक है, यस मैम, ठीक यस है। मैम, इट कॉजेस सोरनेस या पेन इन द मसल। अब इसमें एंजाइम देखो, यहाँ पर है हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। डिहाइड्रोजनेस का मतलब क्या होगा, क्या काम करेगा ये, डी का मतलब होता है रिमूव करना और हाइड्रोजनेस मतलब एच प्लस आयन्स को रिमूव रिमूव वाटर,
एच प्लस आयन्स को रिमूव करना। तो ये क्या करता है, लैक्टेट डिहाइड्रोनेज जो NADH है उसमें से एच प्लस को अलग कर देगा और NAD प्लस को फॉर्म कर देगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गए ना दोनों आपको? यस मैम। तो मैंने आपको क्या बोला था कि इस प्रोसेस में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है या पार्शियल पार्शियल होगा या कंप्लीट होगा? यहाँ पर होता है पार्शियल ब्रेकडाउन या पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है कि हम यहाँ पर पूरी एनर्जी जो ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट थी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, हम यहाँ पर लेस देन 7% से भी कम एनर्जी हमको इस प्रोसेस से मिले, इसीलिए ये प्रोसेस इतना वो नहीं है, हेल्पफुल नहीं है। ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इस प्रोसेस में क्या बनता है, एसिड और अल्कोहल। अगर एसिड और अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएंगे, एज ए पॉइजन एक्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्मेंटेशन कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है? मैम मैं फर्मेंटेशन से क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल मैम। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनके बाद जब वो ज्यादा एक्सरसाइज करने लग जाते हैं समय के साथ उनके मैम पेन होना बंद हो जाता है, तो क्या मैम लैक्टिक एसिड का सेक्रेशन होना बंद हो जाता है? नहीं, लैक्टिक एसिड का सेक्रेशन तो होगा ही, पर वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से हमारा जो रेस्पिरेशन होता है, हम जो ब्रीथ कर रहे हैं, हम ब्रीथ करते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। Yes, ना? तो वो क्या करता है कि अगर एस टाइम जैसे होते जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, रेस्पिरेशन भी अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। जब उसको पता चल गया कि ये हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो वो ऑक्सीजन का कंटिन्यूस क्या करना रहता है, सप्लाई करवाने लग जाता है। तो अगर हमारी बॉडी में बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी तो क्या हमको एनएरोबिक मोड को स्विच करना पड़ेगा? नो मैम। है ना, इसीलिए विद टाइम क्या होता है कि उनका जो रेस्पिरेशन है उसको भी रेगुलेट हो जाता है। ठीक है, कि जो इंस्पिरेशन का रेट है वो भी क्या हो जाएगा, अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन को ऑलरेडी पता है कि इस कंडीशन में मुझे क्या करना है। पर इनिशियली ब्रेन को उसका आइडिया ही नहीं है कुछ हो क्या हो रहा है, तो ब्रेन को वो चीजें समझने के लिए टाइम देगा। तो ब्रेन जब वो चीजें समझ जाएगा तो वो अपने आप बोल देगा कि ऑक्सीजन फटाफट बॉडी को दे दो, तो इसको पेन ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही नहीं होगा। ठीक है, यस मैम। अब हम एरोबिक की बात करें तो क्या होता है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर हमको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब ये होता कहाँ है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल या सेल का एक ऑर्गेनेल। तो इसमें क्या होता है, पहले आता है क्रैब साइकिल और एक आता है उसके बाद ईटीएस। अब ये जो ईटीएस और क्रैब साइकिल भी दोनों ही होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, पर माइटोकॉन्ड्रिया के अलग अलग पार्ट में। जो क्रैब साइकिल होता है वो कहाँ होता है, मैट्रिक्स में, और ईटीएस कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन में। अब बताओ माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड? डबल डबल है ना, डबल मेम्ब्रेन। तो अगर ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसमें ये क्या बनाई मैंने, अंदर वाला जो स्पेस है दैट इज मैट्रिक्स, और यहाँ पर ये एक और आउटर लेयर बना दी। मैम ये गलत है। क्या गलत है मैम? उसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होती है। क्या होती है मैम? फोल्ड होते हैं उसमें कई सारे। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें क्या होगा, ये वाली इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो फोल्डिंग इनर मेम्ब्रेन, और ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है अभी? ओके मैम। ठीक है ना अभी? अब ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्रैब साइकिल कहाँ पर होता है, इस वाली स्पेस में, और इन दोनों के बीच की स्पेस को हम क्या बोलते हैं, किसी को पता है? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। करेक्ट, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या होगा, आपका क्रैब साइकिल। तो जो पाइरूविक एसिड हमारा ग्लाइकोलाइसिस था वो कहाँ जाएगा, अब क्रैब साइकिल में। ठीक है, ओके यस मैम। ओके मैम।
ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और फर्मेंटेशन में कैसा ऑक्सीडेशन हो रहा था ग्लूकोज का, कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर सीओ टू, वाटर और एनर्जी क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स और इनर मेम्ब्रेन में। और ये जो पाइरूवेट है इसका क्या होता है, ये कहाँ हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, जल्दी बताओ ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, मेरी आवाज आ रही है ना सबको, है यस मैम। ना? देख, तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो, कहाँ चले गए, सो तो नहीं गए, जाग रहे हो? साइटोप्लाज्म मैम नेट इश्यू हो गया था। मेरा नेट इशू हो रहा था क्या, आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही? मैम साइटोप्लाज्म मेरा हो हो गया गया, था। अच्छा ठीक है। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस होता है मैम साइटोप्लाज्म, 1 सेकेंड, दोबारा से रिज्वाइन करेंगे हम। अच्छा ठीक है, रुक जाती हूँ मैं फिर। देखो ग्लाइकोलाइसिस से हमारा क्या आया था, ग्लाइकोलाइसिस समय से हमारा बना था ग्लूकोज को कन्वर्ट करके पाइरूविक एसिड, और ये प्रोसेस कहाँ हुआ था, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस ओके, और ये साइटोप्लाज्म में से जो पाइरूविक एसिड था, अब ये किसके पास जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाने के बाद अब कौन सी साइकिल यहाँ पर स्टार्ट होगी, क्रैब साइकिल। ठीक है, क्रैब साइकिल के और भी बहुत सारे नेम्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ग्लाइकोलाइसिस के बाद वाला प्रोसेस। एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था दो चीजें होती हैं, पहला होता है क्रैब साइकिल और दूसरा, यस मैम जो क्रैब साइकिल है मैम, वो इंटर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नहीं, ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सबसे इनर वाला पार्ट ये जो है ना, इसमें होगा क्रैब साइकिल, इनर मेम्ब्रेन यस में होगा आपका ईटीएस। ठीक है, मैम, सिट्रिक एसिड साइकिल क्रैब साइकिल को ही बोलते हैं। हाँ मैंने बोला ना आपको बहुत सारे नेम्स होते हैं, अभी क्रैब साइकिल जैसे स्टार्ट करें मैं आपको सारे नाम से इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। ठीक यस मैम। है, ओके चलो, ये तो हमारा वही हो गया, ईटीएस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा और उससे बनेगी एटीपी, वो पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे पास अभी है मेन यहाँ पर क्रैब साइकिल, जो कह रहा है मैट्रिक्स के अंदर, तो ये मैट्रिक्स के अंदर के जाने के पहले भी यहाँ पर एक स्टेप होता है। ठीक है, जैसे उसने मैट्रिक्स के अंदर गया तो वो डायरेक्टली क्रैब साइकिल में नहीं जाएगा, पहले जो पाइरूविक एसिड आया उससे क्या बनेगा, एसिटाइल को एंजाइम ए। तो क्रैब साइकिल में अल्टीमेटली एंटर कौन कर रहा है, देखो ये पाइरूविक एसिड था, ठीक है, पाइरूविक एसिड किसके साथ जुड़ गया, सीओ ए के साथ, दैट इज को एसिटाइल को एंजाइम ए। ठीक है, ये कहां से आता है, विटामिन B5 से। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस मैं आपको बता रही हूँ। तो जब पाइरूविक एसिड कोएंजाइम ए से यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो एक प्रोडक्ट बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये क्या स्टार्ट करता है, क्रैब साइकिल की प्रोसेस को इनिशिएट। ठीक है, यस मैम। अब यहाँ ओके पर मैम। एंजाइम आया डिहाइड्रोजिनेस, तो डिहाइड्रोजिनेस का काम क्या होता है, रिमूव रिमूव ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, या वाटर भी बोल सकते। तो ये देखो पाइरूविक एसिड में से एच प्लस आयन्स निकाल देगा, और ये एच प्लस आयन्स फिर कौन एक्सेप्ट कर लेगा, एनएडी प्लस, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, एनएडीएच। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जब पाइरूविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना तो एक एनएडीएच का फॉर्मेशन हुआ, साथ ही साथ एक सीओ टू का रिमूवल भी हुआ। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, तो क्या हुआ, पाइरूविक एसिड कहाँ एंटर करा, मैट्रिक्स में, उसका हुआ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, दैट मींस क्या हुआ, वहां पर सीओ टू का रिमूवल हुआ, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, पाइरूविक डिहाइड्रोजिनेस में। ठीक है, अब इसको क्या चाहिए, एक को एंजाइम जैसे कि सीओ ए, और साथ में एनएडी प्लस, एनएडी प्लस क्या कर लेगा, जो एच प्लस रिलीज हुआ था उसको एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, एनएडीएच। ठीक है, अब ये बताओ पाइरूविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स एंटर करे थे, टू टू मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, तो एसिटाइल कोएंजाइम भी क्या होंगे, इनटू टू, तो एक यस ग्लूकोज के मैम, लिए क्रैब साइकिल में कितने एसिटाइल कोएंजाइम जाएंगे,
टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को एंजाइम दो बार चलेगी, क्योंकि एक बार में एक एसिटाइल को एंजाइम ही यूटिलाइज हो जाता है। तो अगर इंटू टू करेंगे तो दो एसिटाइल को एंजाइम भी प्रोड्यूस होंगे, दो सीओ टू प्रेजेंट होंगे और साथ ही साथ दो एनएडीएच भी प्रोड्यूस होंगे। ठीक है? यस मैम। यस मैम। ये पाइरुवेट आया, पाइरुवेट से क्या हुआ, एसिटाइल को एंजाइम ए बना। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल थे इसलिए यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूल बनेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर एच प्लस का रिमूव हुआ था इसलिए फॉर्मेशन क्या हुआ एनएडीएच का, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई रिमूव हो गई। ठीक है? अब ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए बना ये कहाँ जाएगा, क्रैब साइकिल में। ठीक है? यस मैम। तो क्रैब साइकिल होता क्या है, क्रैब साइकिल एक एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट होता है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस के बाद वो नेक्स्ट स्टेप होता है। अब इस साइकिल को हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि जब यहाँ पर एसिटाइल को एंजाइम ए आता है और सबसे पहले ये बाइंड करता है ऑक्सेलो एसिटिक एसिड के साथ, अभी मैं आपको पूरी साइकिल बताऊंगी ना फिर आपको समझ में आएगा। तो जब ये इसके साथ बाइंड करता है तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है सिट्रिक एसिड, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है? अब इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, क्योंकि यहाँ पर होते हैं तीन COOH ग्रुप। ठीक है? फर्स्ट टेबल कंपाउंड में, और इसको दिया था हैंस क्रेब ने इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रैब साइकिल। क्लियर? यस मैम। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास क्या आया था एसिटाइल को एंजाइम ए, ये कहां से आया, ये एसिटाइल कोएंजाइम आया कहाँ से, मैम एरोबिक रेस्पिरेशन के एक पाइरुविक एसिड से बना प्रोसेस से, पाइरुविक एसिड से क्या बना एसिटाइल कोएंजाइम। तो सबसे पहले ये क्रैब साइकिल में किसके पास आएगा, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड के सामने। अब मुझे ये बताओ ये ओए हमने कहाँ सुना है फोटोसिंथेसिस में, जल्दी बताओ फोटोसिंथेसिस में कहीं ओए पढ़ा है हमने, C3 plants, C4 plants, कुछ याद आ रहे? मैम यस मैम, C3 pathway में। नहीं 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 C4 नो मैम, C4 है। यस मैम सॉरी। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है दैट इज ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, है ना, और क्रैब साइकिल में भी क्या हो रहा है ऑक्सेलो एसिटिक एसिड है। तो जब ये दोनों कंबाइन हुए तो इन्होंने क्या बनाया सिट्रिक एसिड, या उसको हम बोलते हैं सिट्रेट। ठीक है? फिर इस सिट्रेट का कन्वर्जन होता है आइसोसिट्रेट में, दैट मीन सिट्रेट क्या बना लेता है अपना एक आइसोमर। आइसोमर क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोमर मैम? सेम मैम, केमिकल फार्मूला सेम होता है, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, करेक्ट। तो सिट्रेट ने क्या बना लिया अपना आइसोमर। इस आइसोसिट्रेट के बाद क्या बनता है हमारा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, जिससे ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप्स थी ना वैसी हमारी क्रैब साइकिल की भी स्टेप्स है। ठीक है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड यहाँ पर बन गया। देखो सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम आया, उसके ओएए के साथ बाइंड करा तो क्या बनाया सिट्रिक एसिड या सिट्रेट। फिर सिट्रेट ने क्या बोला अपना आइसोमर बना लिया और क्या बन गया आइसोसिट्रेट। उसके बाद बनता है हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, और इसके बाद फाइनली यहाँ पर हमारे पास क्या बना सक्सिनाइल को एंजाइम ए। अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, लास्ट में ये ओएए क्या हो जाएगा रीजनरेट हो जाएगा। अब ये बताओ कि ओएए रीजनरेट होना क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है मैम? मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसका? मैलिक एसिड। नहीं, ये ओए वापस क्यों बन रहे हैं, इसका रीजनरेट होने का कारण क्या है मैम? साइकिल को कंटिन्यू प्रोसेस में लाना। करेक्ट। अगर हमारे पास सारे ओए अगर यूज हो गए तो क्रैब साइकिल को चलाने वाला तो कोई बचा नहीं, इसलिए साइकिल में ओए क्या होता है फिर से बन जाता है एनर्जी को रिलीज करके। ठीक है? तो अभी हमारे पास क्या बन गया सक्सिनाइल को एंजाइम ए। ओके? यस मैम। यस मैम। अभी सक्सिनाइल को एंजाइम ए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सिनेट में या सक्सिनिक एसिड में। AATE वर्ड आ जाए या एसिड आ जाए वो सेम ही होगा, है ना, जैसे पाइरुविक एसिड और पाइरुवेट, सिट्रेट और सिट्रिक एसिड, सक्सिनेट और सक्सिनिक एसिड, दोनों सेम नाम। ठीक है? ठीक है। अब जब ये प्रोसेस हुआ तो क्या हुआ, एक यहाँ पर जीटीपी बना। अब मुझे ये बताओ कभी आपने जीटीपी सुना है क्या?
जीटीपी सुना है कभी? एटीपी का ही एक टाइप होता है। ये ऐसा समझ लो कि हमारा जो एटीपी होता है वो एक केमिकल एनर्जी होता है, तो एटीपी का कजिन या समझ लो एटीपी का भाई जो क्या है, जीटीपी। अब बताओ एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? और यहाँ पर जो ए है वो क्या है? कौन सा यहाँ पर न्यूक्लियस सॉरी बेस एड करा? यहाँ पर एडिनिन। अगर मैं इस एडिनिन को रिप्लेस कर दू ग्वानिन से तो ये क्या बन जाएगा? जीटीपी। तो एटीपी और जीटीपी क्या है? भाई भाई है, याद रखना ठीक है। Yes, इस प्रोसेस में जीडीपी से जीटीपी बनता है जो फाइनली क्या करवा देता है? एडीपी से एटीपी बना देगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए? एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहाँ पर आ गए थे? सक्सिनिक एसिड तक आ गए या सक्सिनेट पे आ गए। अभी तक देखो ऑक्सेलो एसिटिक एसिड बना रही है। अब ये जो सक्सिनिक एसिड था वो किसमें कन्वर्ट होगा? आपका फ्यूमरेट में। फ्यूमरेट से बनेगा वो मैलेट, और मैलेट से आपका फाइनली क्या बन जाएगा? वापस ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। तो क्या हमारी यहाँ पर साइकिल कंप्लीट हो गई? साइकिल कंप्लीट हुई, फिर से बन गया। यस मैम। अब देखो अभी साइकिल में ध्यान से देखना, ठीक है। अभी मैंने आपको अलग अलग स्टेप्स बताए थे, अब हमको सारे को जोड़ के एक साथ लिखना था। तो हमारे पास ऑक्सेलो एसिटिक एसिड पहले से था, उसके साथ किसने बाइंड करा? एसिटाइल को एंजाइम ए ने। एसिटाइल को एंजाइम किससे आया था? पाइरुविक एसिड साथ। करेक्ट, एसिटाइल को एंजाइम कहां से आया? ये आया पाइरुविक एसिड से, ठीक है। तो इसने दोनों ने कंबाइन करके पहला प्रोडक्ट बनाया सिट्रेट, जिसका नाम क्या है? सिट्रिक एसिड भी, ठीक है। जब ये प्रोसेस हुआ तो जो को एंजाइम ए था वो यहाँ पर रिमूव हो गया, ठीक है। अब जो ऑक्सेलो एसिटिक एसिड होता है वो कितने कार्बन का कंपाउंड होता है? 4। और ये कितने? एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का होता है? 2 कार्बन। तो सिट्रेट कितने कार्बन का होना चाहिए? 4+2 6। ये होगा 6 कार्बन का, ठीक है। अब इसने सिट्रेट ने क्या करा? इतना एक आइसोमर बना लिया। उस आइसोमर से फिर फाइनली क्या हुआ? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ कि H+ आयंस आइसोसिट्रेट से रिमूव हो गए। अब ये जो H+ आयंस रिमूव हुए थे उसको किसने एक्सेप्ट कर लिया? NAD+ ने। तो NAD+ और H+ मिलके क्या बनाएंगे? NADH, है ना। तो यहाँ पर देखो एक NADH बन गया है, ठीक है, याद रखना। फिर हम वापस यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट ये जो फिर अगर यहाँ पर एक CO2 भी रिमूव हो गया, अगर 6-1 हो गया तो कितने कार्बन बचेंगे? मैम CO2 मैम, हाँ मैम, जरूरी है CO2 रिमूव होना? हाँ, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट बन रहा है वो 5 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, तो बन किसकी वजह से रहा है? अगर 6 में से मुझे एक कार्बन रिमूव करना पड़ेगा तभी तो एक यहाँ पर 5 कार्बन कंपाउंड बनेगा। अल्टीमेटली आपको ऑक्सेलो एसिटिक एसिड चाहिए जो 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब यहाँ पर हमारे आ गए 6 कार्बन, तो 6 से 4 बनाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा सी को बाहर निकालना पड़ेगा। यस मैम, है ना। इससे यहाँ पर CO2 रिमूव हो गया, तो अब हमारे पास 5 कार्बन का कंपाउंड बना है। अब अल्फा क्लूटो ग्लूटेरिक एसिड से क्या बना हमारा? सक्सिनाइल को एंजाइम ए। तो इसने क्या करा? यहाँ पर से H+ आयंस को फिर से रिमूव कर दिया। तो H+ आयंस को रिमूव करने के बाद फिर से हमारा NAD क्या कर देगा? इस H+ आयंस को ले लेगा और क्या बना देगा? NADH। तो कितने NADH अभी तक बन गए? 2 बन गए। फिर से एक CO2 रिमूव हो गया, तो अब ये कितने कार्बन का होगा आप मुझे बताओ? 4 कार्बन, ठीक है। अब सक्सिनाइल को एंजाइम ए से क्या बना हमारा? सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हमारा हुआ एनर्जी का सिंथेसिस, किस फॉर्म में? यहाँ पर बना जीटीपी। जीटीपी कौन है? या एटीपी का भाई है। तो इसने जीटीपी बना लिया और जीटीपी ने फाइनली क्या बोला कि मैं एटीपी को बना देता हूँ, तो उसने एटीपी को बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि सक्सिनेट से भी कुछ H+ आयंस रिमूव हुए, पर इस बार जो H+ आयंस रिमूव हुए वो क्या हुए? कम एनर्जी के हुए।
अब जो एनएडीएच है और एफएडीएच है दोनों की कहानी सुनो, ठीक है। एक है हमारे पास एनएडीएच और एक है हमारे पास एफएडीएच। अब ये दोनों भी है क्या है, भाई भाई, पर इसमें से एक बड़ा है और एक छोटा है। तो जो एनएडीएच है वो कौन है, बड़ा भाई है, उसको लगती है ज्यादा एनर्जी, और जो एफएडीएच है वो छोटा भाई है, इसलिए वो क्या करता है, लो एनर्जी पे काम कर देता है। इतनी बात क्लियर है? ये जो सक्सिनिक एसिड यहाँ पे से जब फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा तो इस प्रोडक्ट के कन्वर्शन में बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी या लो एनर्जी रिलीज होगी, तो इसकी वजह से क्या बोला कि बड़ा भाई तो आ नहीं पाया, तो यहाँ पर आ गया छोटा भाई, किसको लेने के लिए, H प्लस को लेने के लिए, ठीक है। yes, तो यहाँ पर क्या हुआ, FADH2 फॉर्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर FADH2 कितने बने अभी तक, क्या हो गया, फ्यूमरेट से बना हमारा मैलेट, और इसमें लगा हमको वाटर की जरूरत, ठीक है। कुछ जगह पे आपको वाटर लगता है, कुछ जगह CO2 रिमूव होता है, कुछ जगह H प्लस आयंस रिमूव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये मैलेट से फाइनली हमारा बन जाएगा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड या ऑक्सिलो एसिटेज, जो हमारा फिर नेक्स्ट एसिटाइल CO एंजाइम कोई दूसरा आएगा उसको कैप्चर करेगा। तो मैलेट से भी क्या हो गए, H प्लस आयंस रिमूव हो गए। अब हाई एनर्जी क्या है, तो किसने लिया, NAD प्लस ने लिया और NADH बना लिया। तो अभी तक कितने NADH बन गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। और जब पाइरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम ए बना था तो यहाँ पर भी एक NADH बना था, अल्टीमेटली yes, yes, इस प्रोसेस में NADH कितने फॉर्म हुए, NADH कितने फॉर्म हुए, FADH कितने फॉर्म हुए, वन। और CO2 कितने रिमूव हुए, टू नहीं, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था यहाँ पर भी तो एक CO2 रिमूव हुआ था, कितने CO2 रिमूव हुए हमारे पास, तीन CO2, चार NADH, FADH, ठीक है। यस मैम, ATP कितने बने, सिर्फ एक, है ना। ये पूरी कहानी किसके लिए है, एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए, पर ग्लूकोज के लिए कितने एसिटाइल कोएंजाइम आएंगे, टू। तो यहाँ भी टू इंटू हो जाएगा, CO2 का भी नंबर थ्री इंटू टू, NADH का नंबर भी फोर इंटू टू, और FADH का भी वन इंटू टू, और ATP वन इंटू टू। तो क्या इन सब में इंटू टू हो जाएगा, yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है। Yes, ma'am. अब ये जो आपका NADH और FADH होता है, इनमें भी अल्टीमेटली क्या होती है, ATP होती है, ठीक है। NADH के पास कितनी ATP होती है, मैंने आपको शायद पहले बताया होगा कभी, 3 ATP। और जो FADH है वो छोटा भाई है, तो उसके पास कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इसलिए इसके पास कितनी ATP होती है, 2 ATP, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या हमारा, कि NAD प्लस लगे हमको NADH बनाने के लिए तीन स्टेप्स में, और एक हमको पहले लगा था पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनाने के लिए, पर इस वाला जो स्टेप है इसमें एक FADH का भी फॉर्मेशन हुआ, है ना, क्योंकि लो एनर्जी हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हुआ था। और क्या होता है कि ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होते जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से NADH और FADH2 बनते जाते हैं। अब इससे जो हमको NADH, NAD प्लस और FAD प्लस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है या नहीं है इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, यस मैम, अब है गई। ये NADH और FADH2 कहाँ एंटर करते हैं, ETS में, और ETS में जाके वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके अपना H प्लस आयंस लूज कर देते हैं, और फाइनली ये क्या हो जाएंगे, FAD और NADH क्या हो जाएंगे, रीजनरेट। ETS में क्या होगा, रीजनरेशन वाला काम जो हमारा फर्मेंटेशन में हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, पाइरुविक एसिड आया था एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल आए थे, है ना, अरे दो मॉलिक्यूल आए थे, yes, ma'am. दो मॉलिक्यूल आएंगे, अगर एक पाइरुविक एसिड के लिए चार एनएडी बन रहे हैं और यहाँ पर दो वाटर रिक्वायर है और एक एडीपी है, तो फाइनली देखो तीन CO2 हमारे एलिमिनेट हो रहे थे, जब पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम हुआ था तब एक हुआ था, और जो क्रैब साइकिल ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनी थी वहां पर दो हुए थे, फिर NADH भी सिमिलरली, और ये सब क्या हो गए हमारा समरी के ओवरऑल क्रैब साइकिल में हुआ क्या, ठीक है, yes, ma'am.
जब यहाँ पर दो मॉलिक्यूल आएंगे तो कितनी सीओ टू रिलीज होगी, 6 सीओ टू, 3 इंटू 2 8 एनएडीएच, 4 इंटू 2 एच प्लस, और यहाँ पर एच प्लस भी 8 हो जाएंगे सिमिलरली, एफएडीएच 1 इंटू 2 इसलिए 2, और एटीपी कितनी फॉर्म हो गई, 2 इंटू 2, ठीक है? यस मैम, यस मैम। तो देखो इस फिगर में आपका एसिटाइल को एंजाइम ए बना, ठीक है, तो उस प्रोसेस में एक एनएडीएच भी बना और एक सीओ टू रिमूव भी हुआ, ठीक है। जब एसिटाइल को एंजाइम ए ऑक्सिलो एसिटिक एसिड एंटर कर रहा है तो उसने बनाया सिट्रिक एसिड, और उसके बाद फर्दर वापस इसका रीजनरेशन हो गया, तो इस प्रोसेस में एक तो बनेगा एटीपी, जीटीपी पहले बनेगा और फिर एटीपी बनेगा, ठीक है, और 3 एनएडीएच और लगेंगे यहाँ पर बन जाएंगे और एक एफएडीएच बनेगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ क्या इट इज वेरी इजी टू लर्न ऑल दिस सारे बीच वाले? नो मैम, नहीं ना, इसके लिए हमें ट्राई करें याद अच्छी सी। यस मैम, यस मैम। अब साथ में पढ़ते जाना है ना, पहला आएगा हमारे पास कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर। अब ये सेंटेंस रियाज करने में इजी है या टफ है, ये बताओ। इजी, इजी। चलो एक बार कोई भी बोलो फटाफट। मैम, कैन आई कीप सेलिंग। हाँ हाँ, कंटिन्यू करो। कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंसेस फॉर मनी ऑफिसर, है ना, सब लोग ये तो याद कर सकते हैं। अब ये आपका जो क्रैब साइकिल में हो रहा था वो पूरा यहाँ है। सी से हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, ठीक है? यस मैम, यस मैम। क्या बनेगा? आइसोसिट्रेट, आइसोमर बनेगा, जो आइसोसिट्रेट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, एक अल्फा बनता है, तो इसका यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, इसके लिए यूज कर दिया, कीट के लिए, ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। नेक्स्ट क्या बनता है, सक्सेनेट एसिड, नहीं पहले बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, है ना? यस मैम, यस मैम। फिर क्या बनता है हमारा, सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड, ठीक है। एफ से क्या आएगा हमारा यहाँ पर, फ्यूमरेट। मैम, मैलिक एसिड या मैलेट, है ना, और ओ से फाइनली क्या बन जाएगा, ऑक्सलो एसिड। तो अब बताओ, इज इट रियली डिफिकल्ट टू लर्न ऑल दिस? नो मैम, नो मैम, याद हो जाएगा। यस मैम, इसको सेंटेंस को आपने कहना है कीप सेलिंग सब्सटेंस है, 2-4-5 बार लिखना, और साइकिल को बस आप देख ही लेना, एक बार देख लिया, फिर से देख लिया, फिर से देख लिया, तो इसे आपने 4-5 देख लिया तो आपको ये नाम तो ऐसे भी समझ में आ जाएंगे। फिर अब ये सेंटेंस को 1 by 1 लिखना और अपने आप से साइकिल लिख देना। तो इज इट वेरी इजी टू लर्न? Yes, 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 ma'am. या मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँ कि साइकिल आपको याद हो जाएगा? Yes, 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 ma'am. Yes, ma'am. किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं इस ट्रिक no, में? No, ma'am. No, ma'am. अब हम ग्लाइकोलाइसिस के लिए भी एक ट्रिक पढ़े, yes, तो ma'am. Yes, ma'am. है ना, अब ग्लाइकोलाइसिस के लिए एक ट्रिक पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये ट्रिक थोड़ी सी अजीब है, ठीक है। पहले आता है यहाँ पर गुड, थोड़ा ऊपर से हो गया गुड, मैम वो ट्रिक सिट्रिक एसिड साइकिल के लिए थी ना? ये क्रैब साइकिल की लिखी है, देखो मैंने, ये सिट्रिक एसिड साइकिल। यस मैम, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की आती है कि गुड गर्लफ्रेंड फिल ग्लास डेली बाय 3 pack 2 pack एंड प्ले पिंग पोंग। अजीब सा लग रहा है ना थोड़ा सेंटेंस? यस मैम, है ना, पर हमको तो याद करने से मतलब, उसका मतलब कुछ भी हो, मुझे तो ऐसा कुछ मतलब समझ आ नहीं रहा है, पर हमको यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस याद करना है तो हमको ये वाला सेंटेंस याद करना पड़ेगा, ठीक है? मैम ये क्या लिखा है, गुड गर्ल और एफ से? गुड गर्ल फ्रेंड फिल ग्लास डेली बाय 3 pack 2 pack एंड प्ले पिंग पोंग। क्लियर दिख रहा है ना सबको, कहीं कुछ है तो मैं फिर से रेज करके लिखू अदरवाइज? नो मैम, नो मैम, क्लियर है ना? चलो
चलो अब हम यहाँ यस पे मैम। याद करें क्या क्या आता है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कौन करता है? गुड, ग्लूकोज। तो ये हो गया ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज में एक फॉस्फेट का एडिशन होता है तो क्या बनता है? ठीक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। है, फिर इसका कन्वर्जन हो जाता है आइसोमर बना के क्या बनाएगा? ग्लूकोज का फ्रक्टोज। आइसोमर कौन है? तो इस फ्रक्टोज। बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इस स्टेप में फिर क्या होता है, नेक्स्ट में जाने पे हम इसको बोलते हैं एक फॉस्फेट और लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। बाय फॉस्फेट, है ना, 2 फॉस्फेट, इसलिए हम क्या बोलेंगे, बिस या बाय फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा हमारा PGAN, या जिसको हम बोलते हैं G3P, दैट इज ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, यस मैम। यस मैम। आइसोमर भी बनता है, मैंने आपको कुछ बताया था शायद, थोड़ा बहुत याद हो क्या बनता है PGAL के साथ साथ, ये 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन में ब्रेक होके क्या बनाते हैं? DHAP का नाम सुना था यस मैम। यस मैम। क्या ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? यस मैम। यस मैम। तो ये दोनों बनेंगे, और फाइनली रिएक्शन में कौन जाता है, DHAP या PGAL? मैम PGAL। PGAL। तो यहां से याद रखना कि हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हो गए PGAL के या G3P के। ठीक यस है, मैम। नेक्स्ट स्टेप में क्या बताएगा आप, किसी को याद है? बाय फॉस्फो, बी से याद रखना है हमको, बाय आ रहा है हर जगह, है ना, देखो यहां पर भी बाय आया था, है ना, बाय फॉस्फो ग्लिसरेट या बाय फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, DPGA बना था, यस मैम। यस मैम। है ना। अब इस BPGA में से क्या हो जाएगा, यहां पर फिर नेक्स्ट बनता है, यहां लिखते हो थोड़ा अच्छा रहेगा, नेक्स्ट यहाँ पर बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। यस मैम। फिर नेक्स्ट क्या बनेगा, सेम बनेगा, बस 3 की जगह आप 2 यहाँ पर लिखना है हमको, है ना, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ग्लिसरेट। फिर क्या बनेगा हमारा इससे, पैर, दैट इज फॉस्फो इनोल पाइरूवेट। और फाइनली प्रोडक्ट क्या होता पाइरूविक एसिड। है ना। तो क्या हमारे पास सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आ गए? तो यस मैम। ये वाला भी सेंटेंस याद कर लोगे ना आप, यस मैम। यस मैम। दोनों सेंटेंस में आप लोगों से एक्सपेक्ट करूं कि याद रखोगे ग्लाइकोलाइसिस यस यस मैम। साइकिल का भी। यस चलो यस इसका सेंटेंस कोई बोलो। जी आप बोलो। गुड गर्ल्स। यस मैम। हाँ ये सेंटेंस बोलो। गुड गर्ल फ्रेंड्स फिल ग्लास डेली बाय 3 PG 2 PG एंड प्ले पिंग पोंग। 3 PG 2 PG नहीं, 3 पैक 2 पैक, ऐसा याद रखना। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस याद रहेगा, क्रैब साइकिल याद रहेगा आप यस लोगों मैम। को, फर्मेंटेशन यस मैम। भी यस याद मैम। रहेगा, फर्मेंटेशन में तो इतना कुछ है नहीं, एल्कोहलिक में एल्कोहल प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यस ये मैम। पूरा याद हो जाएगा, ये NADH और ये सारे याद रखना है ना आपको। यस अगर मैम। ग्लूकोज का पूछे तो आपको याद डायरेक्टली करना है N2O2, पर अगर वो सिंगल पाइरूविक एसिड का पूछे तो आपको याद रखना है कि वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में किसके लिए पूछ रहा है ना। यस ठीक मैम। मैम। है, दैट्स इट फॉर द डे, और आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। दो मैम। नो नोटा डाउट। नेक्स्ट क्लास में ये दोनों पूरे याद करिए होंगे, मैं इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। ओके क्रैब मैम। साइकिल ओके अभी तक मैम। हमने जितना भी पढ़ा ना, रेस्पिरेशन स्टार्टिंग से लेके अभी तक का, फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, और भी कुछ कुछ चीजें थोड़े हमने पढ़े थे कि बाय प्लांट्स डू नॉट रिक्वायर एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो ये सब कुछ सबके बेसिस पे मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और ये दोनों ट्रिक्स तो आप लोग याद कर ही लोगे, मुझे इतना आप लोगों पे भरोसा है ना। यस मैम। यस मैम। अंशिका का यस आया, शिवानी का आया, बाकी लोगों का
यस मैम ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद क्वेश्चन।